ये जो प्रशासन है चार चार साल फाइल लेके बैठता है और एक एक बात के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली लेटर भेजते रहते हैं। अभी तक अगर ये काम 6 महीने में होता तो देश में कोयले की शॉर्टेज नहीं होती। अब देश में कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इसलिए जहां कोयले वहां माइन खोलना तुरंत, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। और वो माइन से जितना प्रोडक्शन होगा, तुम्हारे जी ने कहा कि मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ी है, इसका WCL को फायदा नहीं है। जिस दिन ये 12,000 रुपये में बेचेंगे उस दिन बिजली तुमको 14 रुपये यूनिट मिलेगी। अभी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली मिल रही 5 रुपये 6 रुपये यूनिट में गरीबों को, इसका कारण ये सस्ता कोयला देते इसलिए मिल रही है। तो इनके रेट कोयले के कभी नहीं बढ़ाना, नहीं तो सब तकलीफ हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में विशेष रूप से हम सबको बिजली मिलती है और ये कोयला मिलता है इसलिए ये मिलती है। अब ये बात अलग है कि कोयले के साथ ये पत्थर भी बेचते हैं और महाराष्ट्र सरकार मुझे मालूम नहीं पर अभी शायद एक दावा जीत गई है 2,500 करोड़ का, बराबर है ना? शायद अभी कोई केस जीती है क्योंकि नासिक में और कोराड़ी में इनके स्मारक के रूप में खूब पत्थर पड़े हुए हैं और पत्थर कोयले के भाव से पत्थर भी चले जाते हैं। और ये जो इनका टेस्टिंग है, ये जो ये बोलते हैं उससे 2 डिग्री नीचे ही होता है। ये अगर 4,000 कैलोरिक वैल्यू कहेंगे तो वो 3,000 निकलता है, 3200 निकलता है, क्योंकि ग्रेडेशन सिस्टम में जो टेस्टिंग है ये होता नहीं। तो इसमें मैंने काफ़ी हायर लेवल पर बहुत बार ये बातें कि कुछ सुधार हुआ है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करो और थर्ड पार्टी में जो सोना है तो सोने का भाव लो, चांदी है तो चांदी का भाव लो। तो अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ कोल सेक्रेटरी और मंत्री जी की मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय मंत्री जी ने लिए हैं। तो आने वाले समय में कोल प्रोडक्शन बढ़ाने को उनको ने और एक अच्छा निर्णय किया जिसका कृपाल जी ने उल्लेख किया है कि जो माइन बंद पड़ी है इकोनॉमिकली नॉन वायबल है उसके बारे में मैंने WCL MD से जानकारी मांगी थी और मैंने उस समय एक पत्र देकर प्रहलाद जी के साथ बैठकर मीटिंग करवाई और मैंने उनको कहा कि जो आपको नॉन वायबल है अगर कोई प्राइवेट वाला आता है तो देखकर देखिए उतना कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उन्होंने वो पॉलिसी लाई और अब 100 कोल माइन का ऑक्शन हुआ है जिससे नए रोजगार निर्माण होंगे और उसका फायदा होगा। और एक बात हुई है कि पिछले सप्ताह की कैबिनेट के मीटिंग में एक बहुत बड़ा निर्णय कोल एक्ट में सुधार करने का निर्णय हुआ है। अब जो खाली जगह है उसमें कोल बेस वॉशरीज लग सकती है, वहाँ मीथेन के लिए फैक्ट्री डाल सकते हैं। अभी अमोनियम नाइट्रेट का शॉर्टेज है, ये जो कोल प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका कारण अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो देश को 35 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट लगता है और हमारे देश में 6 से 8 लाख टन ही होता है, बाहर से आता है। तो कोयले से मिथेनॉल और मिथेनॉल से अमोनियम नाइट्रेट, मिथेन से अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। और मुझे मंत्री जी ने, सेक्रेटरी ने बताया कि आपके क्षेत्र में उन्होंने मिथेन से मिथेन बनाना और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के बारे में उन्होंने आपके इस क्षेत्र में हमने अनुमति दी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी आप करिए।